हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अंकिताज किचन में। आज मैं आपके लिए बारिश मौसम की बेहद ही खास मिर्च पकौड़ा रेसिपी लेके आई हूँ। इस मिर्च पकौड़ा को हम बेहद ही आसान तरीके से बनाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से बेसन का घोल बनाएं कि इसकी कोटिंग अच्छी हो और ये बिल्कुल भी तेल ना पिए और जो मिर्च है वो अंदर तक पकी रहे। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बोल में यहाँ पे बेसन ले लेंगे। तो एक कप की जितना मैंने बेसन लिया है, लगभग ये 200 से 250 ग्राम जितना है। इसके बाद बहुत थोड़ा सा इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, उसके बाद आधा चम्मच डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा यहाँ पे हम अजवाइन का इस्तेमाल करेंगे। हाथों से इसे क्रश करके डालेंगे, इसका स्वाद बहुत बढ़िया आता है, तो इसे स्किप मत करिएगा। और उसके बाद ये एक चौथाई चम्मच के इतना नमक डाल देंगे। जो आउटर कोटिंग होगी ना, उसमें बहुत मसाले की ज़रूरत नहीं है और नमक भी कम ही डालिएगा। इन सारी ड्राई चीज़ों को अच्छे से पहले हम मिला लेंगे और उसके बाद इसमें हम पानी डाल के इसका अच्छा सा घोल बनाएंगे। तो पहले हमें थोड़ा सा पानी डालना है और अच्छी तरीके से इसे विस्कर से मिला लेना है। आप चाहे तो यहाँ पे फोक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बैटर बनाते वक्त ये ध्यान देना है, सारी जो खूबी है ना मिर्च पकौड़ा की वो इसी में है। तो इसे बहुत पतला नहीं बनाना, बहुत गाढ़ा नहीं बनाना है, कुछ इस तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ और ये देखिए, ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। ऐसा ही हमें घोल तैयार करना है और इतना सा पानी यहाँ पे बच गया है। और एक बार मैं आपको चम्मच से भी दिखा देती हूँ, जब आप इसे ड्रॉप करेंगे ना तो रिबन की जैसा बनेगा। फटाफट से ये ड्रॉप ही नहीं हो रहा है। अब इसे हम सेट होने के लिए छोड़ेंगे 10 मिनट के लिए, तब तक बाकी तैयारियां कर लेते हैं। यहाँ पे एक पैन गरम करके एक चम्मच के इतना सरसों का तेल डालेंगे, इसमें साथ ही डाल देंगे थोड़ा सा हींग और साथ ही यहाँ पे डाल देंगे क्रश किया हुआ धनिया। साबुत धनिया ले लीजिए, उसे हल्का सा क्रश कर दीजिए। उसके बाद आधे चम्मच डाल देंगे आपके जीरा और इसे हम पहले थोड़ा सा तेल में पका लेंगे। मसाले में आप चाहे तो थोड़ा सा सौंफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से मसाला ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि जो मिर्च वड़ा बनाएंगे ना तो ये मसाले ही उसकी जान है, बेहद ही स्वादिष्ट लगते हैं। और यहाँ पे मैंने 3 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया था, उसे अच्छी तरीके से क्रश कर लिया है। फ्लेम को यहाँ पे लो टू मीडियम कर देंगे और इसे बढ़िया तरीके से हम पका लेंगे। इसमें आप अपने पसंद से थोड़ा सा लहसुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे लहसुन को स्किप किया है। बढ़िया से इसे जब हम पका लेंगे, इसके बाद सूखे मसाले डालेंगे, जैसे कि लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा ही डालेंगे हल्दी पाउडर और डालेंगे थोड़ा सा नमक आधी चम्मच के इतना, और उसके बाद यहाँ पे जाएगा थोड़ा सा गर्म मसाला। अब इन सारी चीज़ों को हमें 1 मिनट तक लो फ्लेम पे भुनना है। फ्लेम को यहाँ पे मीडियम या हाई नहीं करना है, लो फ्लेम पे मसाले अच्छी तरीके से जब इसमें पक जाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे उबले हुए आलू। तो मैंने 3 मीडियम साइज का आलू लिया था और उसे हाथों से ही क्रश कर लिया है और अब बढ़िया तरीके से इसे मिला लेंगे। अब यहाँ पे आप फ्लेम को मीडियम या फिर लो टू मीडियम कर सकते हैं। अच्छी तरीके से मिला लिया है और ये जो आलू का मसाला है ना, बहुत ही चटपटा बना हुआ है। आप चाहे तो इसी मसाले का इस्तेमाल करके पराठे भी बना सकते हैं, बेहद स्वादिष्ट लगेंगे। अच्छे से हमने मिलाया है, अब यहाँ पे डालेंगे ढेर सारा कटा हुआ धनिया और साथ ही डाल देंगे यहाँ पे आमचूर पाउडर थोड़ी सी खटास के लिए। अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है तो यहाँ पे थोड़ा सा आप नींबू का रस डाल दीजिए। बस यहाँ पे अब इन सारी चीज़ों को हम बढ़िया से मिलाएंगे और मिलाने के बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे और मसाले को अच्छे तरीके से ठंडा होने देंगे। और अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि मिर्च हमें जो चाहिए वड़ा बनाने के लिए। तो यहाँ पे बैंगलोर में इसी तरीके की थोड़ी सी लाइट कलर की मिर्च मुझे मिली हुई है और साइज़ में बहुत बड़ी है। अगर आपको छोटे साइज़ वाले मिर्च मिले ना तो आप वही लीजिएगा, उससे जो है ना बड़े बहुत अच्छे से बनते हैं। मेरी जो मिर्च है इतनी बड़ी थी कि कोटिंग अच्छी नहीं हो पाई थी। तो यहाँ पे हमने इसे अच्छे से धोया, सुखाया और बीच से स्लिट लगाया है, कट लगाया है, और अंदर के जो बीज है ना उसे हमने खाली कर दिया है, क्योंकि बीज बहुत ज़्यादा थे, थोड़े होंगे तो चलेगा। अब साइड में हम थोड़ा सा नमक ले लेंगे और उसके बाद मिर्च के अंदर हम नमक लगाएंगे। इससे क्या होगा कि मिर्च तो पहली बार फीकी नहीं लगेगी और नमक की वजह से मिर्च आसानी से पक जाएगी, जल्दी से गल जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे ये प्रोसेस आपको ज़रूर करना है, जिससे जो मिर्च वड़ा है वो बहुत ही चटपटा लगे। बचा हुआ नमक ऊपर स्प्रिंकल कर दिया और थोड़ा सा ही अब यहाँ पे नींबू का रस डालेंगे, जिससे कि मिर्च में एक अच्छा सा सॉफ्टनेस आए और साथ ही एक बढ़िया सा फ्लेवर दिया जाए। तो हमने इसे अच्छी तरीके से मिला लिया है, देखने में ये बहुत ही टेम्पटिंग है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। यहाँ पे देखेंगे कि जो मसाला है वो थोड़ा ठंडा हो गया कि नहीं। ये मसाला पूरी तरीके से अच्छे से ठंडा हो गया है, अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे एक बार। और अब क्या करेंगे कि हम
मिर्च वड़ा बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमने मिर्च को लिया और बीच में हम स्टफिंग डालेंगे। तो जो जोधपुरी मिर्च वड़ा मिलता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा उसमें स्टफिंग भरी गई होती है, बहुत ज़्यादा भरा गया होता है। लेकिन आप यहाँ पे अपने टेस्ट के हिसाब से स्टफिंग को थोड़ा सा कम या ज़्यादा रख सकते हैं। तो मैं भी यहाँ पे थोड़ा अच्छे से दबा दबा के भर रही हूँ मसाला, जिससे खाने में टेस्टी लगे और जो वड़ा बने ना वो काफ़ी अच्छे से फुला फुला थोड़ा बड़ा बड़ा बने। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, और अगर आपको एक्स्ट्रा कोटिंग चाहिए तो आप इसके ऊपर भी थोड़ा सा मसाला इस तरीके से लगा के हाथों से ऐसे दबा सकते हैं। तो कितने लोग को बहुत ज़्यादा मसाला पसंद होता है और कितने लोगों को थोड़ा सा कम ही मसाला पसंद होता है, तो आप यहाँ पे अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। और दो प्रोसेस मैं बता रही हूँ, एक में मैंने ऊपरी सरफेस को भी कोट कर दिया है और दो बाकियों को मैं ऊपरी सरफेस में कोट नहीं करूँगी। तो अंदर अच्छी तरीके से मसाला भर देना है आपको। और ये देखिए, इसकी मैंने ऊपरी सरफेस पे कोटिंग नहीं की है आलू की, तो यहाँ पे सारे मिर्च को मैंने अच्छी तरीके से भर दिया है। बहुत ही टेम्पटिंग लग रहे हैं। अब चलते हैं अगले प्रोसेस में। और यहाँ पे क्या करना है कि जो हमने बैटर बनाया था उसमें एक चम्मच के जितना हम गरम तेल डालेंगे। तेल मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया है, उसी में से एक चम्मच तेल डाल के 2 से 3 मिनट के लिए लगातार इसे हम फेंट लेंगे, जिससे अच्छा सा इसमें एक वॉल्यूम क्रिएट हो जाए और जो वड़े बनेंगे वो काफ़ी फुले फुले बनेंगे। आपको अलग से इसमें बेकिंग सोडा डालने की नहीं होगी। और ये देखिए कंसिस्टेंसी आप अच्छी तरीके से ध्यान से देख लीजिए, बिल्कुल ही ऐसा होना चाहिए, मतलब पतला और गाढ़ा ज्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा जिससे मिर्च के ऊपर अच्छी सी कोटिंग आ जाए। तो यहाँ पे ये देखिए मैं इस पर कोटिंग कर रही हूँ। मिर्च मेरे इतने ज़्यादा बड़े हैं ना कि अच्छे से ये कोट नहीं हो पाए हैं। जो छोटे मिर्च होंगे ना वो बहुत ही बढ़िया तरीके से कोट हो जाएंगे। और यहाँ पे चेक कर लेते हैं तेल, तो तेल बढ़िया गर्म होना चाहिए और यहाँ पे फ्लेम को आप लो कर दीजिए। पहले मीडियम टू हाई फ्लेम पे तेल अच्छे से गर्म करने के बाद फ्लेम को लो करके हम वड़ों को फ्राई करेंगे, जिससे मिर्च है वो अंदर तक अच्छे से पक जाएगा। तो एक एक करके यहाँ पे हम मिर्च वड़े को फ्राई कर लेंगे। तो एक बार में मैं पहले 2 मिर्च डाल रही हूँ और उसके ऊपर इस तरीके से हम चम्मच से तेल डाल देंगे, ताकि जो ऊपरी सरफेस है ना वो भी अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। और थोड़ी देर के बाद इसे हम पलट देंगे, एक साइड से हल्का सा कलर इसमें चेंज हो गया है, तो पलट पलट के इसे फ्राई करेंगे तब तक जब तक अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए और ये मिर्च जो है वो अंदर तक पक ना जाए। और लगभग 5 से 7 मिनट के बाद चेक करते हैं तो इस पर बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है, इसका डंठल भी हल्का सा ब्लैकिश हो गया है, मतलब मिर्च जो है वो अंदर तक अच्छे से पक गया है और बिल्कुल भी इसने तेल नहीं सोख किया है। आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा। बाकी बचे हुए बैचेस को हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। और लीजिए, हमारी मज़ेदार मिर्च वड़ा यहाँ पर तैयार हो गई है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिए। मैं आपको एक यहाँ पे दिखा भी देती हूँ कि इसने बिल्कुल भी तेल को सोख नहीं किया है। तो जब आप बैटर अच्छा बनाएंगे तो जो आपका वड़ा बनेगा ना वो परफेक्ट बनेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मैं इसे कट करके भी दिखाती हूँ कि स्टफिंग अंदर तक कितनी अच्छी है। तो आप इसे ट्राई करिएगा, फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिए। स्टे फिट स्टे हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।